अंग पे क्यों गिरती है? मेरी नींद खराब हो रही है। अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ, पीछे से आ रहा है धक्का। मैं क्या करूँ, वो इडियट पीछे से धक्का दे रहा है। कौन? वो। अभी उसको सीधा करती हूँ मैं, उसको लेडीज टच की जरूरत है। जब से इन लोगों ने नौकरी पकड़ी है, हमारा घर इनके लिए गेस्ट हाउस बन गया है। हाँ, आती हैं, खाती हैं और चली जाती हैं। डैडी, कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाओ ना। मैथ्स? बेटी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब मम्मी आएंगी ना तब पढ़ाएंगी। डैडी, मम्मी तो सुबह से शाम तक नौकरी करती हैं, आपको तो कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ? बेटी ये तुमसे किसने कहा कि हमें कोई काम धंधा नहीं है? मम्मी ने। अब बच्चों की नजरों में भी इज्जत का कतरा किया हुआ है, बड़ी प्लानिंग के साथ इज्जत की वाट लगाई जा रही है। डैडी, डैडी। तेरी चड्डी कहाँ है रे? चिट्ठी करके अब धो। अबे ओए, चलते फिरते नंगे, चल उधर जा। ऐसा डरता है यार, फिर करके आएगा, बार बार क्या करेगा तू? जल्दी धो वरना सूख जाएगा। अबे तेरा छी है क्या भैंस के गोबर का उपला जो सूख जाएगा? अबे बेकार बेटा, पानी मार, चल। अरे यार, पढ़े लिखे इंसानों को क्या क्या काम करना पड़ रहा है यार। और दो पाँच। अबे बेटा झंडा दे, चल पानी। डैडी, डैडी। क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत भूख लग रही है। अबे यार, बच्चों को बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है, चुप। भूख लगी है। हाँ, और काम ही क्या है इसको, पहले लोडिंग फिर अनलोडिंग, दूसरा कोई काम ही नहीं है। चल जा कपड़े में, चल। एक काम करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं होटल में, खाना वाना खिला के ले आते हैं। अबे यार, जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, अगर ये भी खाने पीने के लिए खर्च हो गए तो कल सुबह सिगरेट और माचिस के लिए वीडियो के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या कहता है? अरे खामोशी से दरवाजा बंद करके खाना पकाएंगे, पैसे बचाएंगे। फैंटास्टिक आइडिया यार। ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम। हाँ, आज बहुत देर हो गई है। ओहो, हम लोग को बहुत लेट हो गया। क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं। क्या बात है, हमारे नौकरी मिलने के एक हफ्ते बाद ही ये लोग इतने बदल गए। अरे वाह, उसमें ऐसा ही नहीं, हम लोग कमाने को जाते तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को। हाँ। चलो देखते। यार चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। हाँ। और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। हाँ, अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना। हाँ। तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। हाँ? अच्छा, तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी। हाँ? हाँ, सुन लिया हम लोग ने, तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो ने, वो मालूम पड़ गया। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है। हाँ? मगर मुंह से मिर्ची निकलती है, मिर्ची। ए, मैं दाल में मसाला डालूं या काला ग्रीस डालूं, पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक ठीक है। हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसे आँख मार दी। उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा, इधर इधर। क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आंख मारी? हाँ, आंख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। क्या बोला? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है। तुमसे किटकिट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। हा? ये क्या है हाथ में, ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये चावल है, चावल। अरा, ये चावल नहीं है, ये कौन की है? हा? ये आदमी खाएगा नहीं तो पेट पे गोल बोल जाएगी। और ये क्या है? ये सब्जी बनाने का तेल। मिस्टर, ये तेल नहीं है, कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल। इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ये तो 100% नमक होगा, गारंटी के साथ। 100% नमक? हाँ, चूहे मारने का सफेद पाउडर है। हाँ? खाओगे ना तो सीधे ऊपर। मारेगा क्या? इसको खिला, खा तू। सुनो, औरतों का काम औरतों को करने दो। हाँ, मर्दों के बस का रोग नहीं है ये, समझे? समझे। ओ साजन